हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल इंडिया अपडेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो अपडेट है वो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की ओर से निकाला गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है असिस्टेंट ऑपरेटर, स्विच बोर्ड ऑपरेटर 2 जो है जूनियर लाइनमैन और टेक्नीसियन ग्रेड 4 के लिए जो है ये वैकेंसी निकाला गया है। और जो है ऑनलाइन अप्लीकेशन मोड में ही ये फॉर्म जो है आपसे भरा जाएगा, ऑनलाइन ही फॉर्म को भरना है। तो असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए जो है टोटल पोस्ट 300 है, स्विच बोर्ड ऑपरेटर के लिए टोटल पोस्ट जो है 1000 है, जूनियर लाइनमैन के लिए 500 टोटल पोस्ट है और टेक्नीसियन ग्रेड 4 के लिए जो है वो 250 पोस्ट है। और इधर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज जो है पोस्ट को, अलग अलग कैटेगरी में कितना कितना पोस्ट है इसको आप देख सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में लिखा है मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और इट इक्विवेलेंट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी एकदम मस्ट है कि आपको मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन में जो है क्या चाहिए, तो मस्ट हैव आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा गया है वो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग न्यू दिल्ली, जो NCVT के तरफ से मान्यता प्राप्त है, या स्टेट गवर्नमेंट से जो मान्यता हो उस वहाँ से आप यदि ITI किए हुए हैं और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके लिए जो सैलरी दिया जाएगा असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए जो है यहाँ 9200 से 15500 रुपये है लेवल 4 जो है इसके लिए जो है, और स्विच बोर्ड ऑपरेटर के लिए 9200 से 15500, जूनियर लाइनमैन के लिए भी सैलरी 9200 से 15500 के बीच दिया जाएगा, टेक्नीशियन ग्रेड 4 के लिए भी सैलरी आपका 9200 से 15500 जो है आपको मिलेगा। और इसके लिए जो है मिनिमम एज जो है क्या मांगा गया है, वो तो 1/8/2018 को से जो है एज की गणना की जाएगी। एज जो मांगा गया है वो मिनिमम जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी के लिए 18 वर्ष और जो मैक्सिमम एज वो 37 साल होना चाहिए। SC के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 42, ST का जो है 18 से 42 वर्ष के बीच होना चाहिए, BC1 के लिए 18 से 40 वर्ष होना चाहिए, BC के लिए जो है 18 से 40 और फीमेल के लिए 18 से 40 वर्ष, तो जिनका जो है वो अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अगला है एप्लीकेशन फ़ी। तो एप्लीकेशन जो है यहाँ जनरल कैटेगरी BC और EBC के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 1000 जो है रखा गया है और ST SC के अभ्यर्थी के लिए 250 रुपया इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी है। और जो है आप इस फॉर्म को आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट जो है 18/9/2018 11 बजे से स्टार्ट हो, मतलब आप भर सकते हैं इसको। इसके लिए जो क्लोजिंग डेट है वो 8/10/2018 है, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट जो है 8/10/18 को ही आप पेमेंट का भी लास्ट डेट है। और जो है ऑनलाइन जो प्रिंट एप्लीकेशन का आप निकालिएगा वो 9/10/2018 तक आप निकाल सकते हैं। और लिखा गया डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है CBT बेस्ड एग्जाम होगा और लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में एग्जाम जो है होगा। इसके लिए जो वेबसाइट है वो है www.bsphcl.bih.nic.in पर आप लॉगिन करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इससे संबंधित कोई भी जानकारी आप, यहाँ मोबाइल नंबर दिया गया है, इससे भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। और तो आप इस फॉर्म को जो है भरने से पहले एक बार इस PDF को जो है इसके वेबसाइट में जाएं, इसके PDF को डाउनलोड करें और अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही आप इस फॉर्म को भरें। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।